अभी पूरा नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही में मेरा काम हो जाएगा। ऐसी जीत चाहे जिंदगी है। आज जा रहा हूँ कोलकाता, इसी तरह से मास्क घूम गया। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग पे। तो थोड़ा बाल को भी इग्नोर करो। चलो कुछ पहले बातें बता देता हूँ कि इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। भले ये जब वीडियो देख रहा हूँ तो 2-3 वीडियोस आई होंगी, और उसके पहले क्यों नहीं वीडियोस आ रही थी तो मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है विंडोज से रिलेटेड। विंडोज लॉग इन नहीं हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। जो उसका प्रोडक्ट की रहता है, जिस अकाउंट में रहता है, वो अकाउंट लॉग इन है फिर भी साइन आउट बता रहा है, पता नहीं क्या कोई बग होगा। अब देखा जाएगा उसको। और मैं अभी मतलब कि आज जा रहा हूँ कोलकाता। और एक और बात, इस बोर्ड के अंदर ना एक पावर सप्लाई है 12 वोल्ट्स का, 120 वाट पे शायद है, तो उसको निकाल के ले जाना है। क्यों? क्योंकि मेरा जो लैपटॉप है उस पर जब मैं 3D सीख रहा हूँ तो बहुत हीट हो जाता था। तो मेरे पास एक ये CPU फैंस है बहुत सारे, जब ये मैं प्रोजेक्ट बनाया था तो उसने मुझे काम दिया था ये सब चीज़ें मशीन को ठंडा करने के लिए। तो वही सोच रहा हूँ कि वैसा ही कुछ डिज़ाइन मैं लैपटॉप में भी बनाता हूँ, कस्टमाइज करता हूँ। अब गरीब यूट्यूबर, कूलिंग पैड खरीदने के लिए पैसा नहीं है। असल में कूलिंग पैड था मेरे पास, पर उसका मोटर ख़राब हो चुके हैं और उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं करता था। मान लो मेरा लैपटॉप का टेम्परेचर बहुत हाई जाता है तो ये एकदम तुरंत ठंडा करेगा, ऐसा ठंडा करेगा ना जैसा कूलिंग पैड भी नहीं कर पाएगा। तो वैसा कुछ जुगाड़ बनाने वाला हूँ। पहले पावर सप्लाई निकालते हैं और फिर बैग भी पैक करना है। तो सबसे पहले पावर कट करना ज़रूरी है, तो जो ये वाला MCB मेरे रूम का है तो इसको ड्रॉप करते हैं। चलो चलते हैं अपने वर्क पे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो मैंने फ्लैशलाइट जला दिया जिस कारण से तुम देख पाओ। तो इसको, इस पैनल को जल्दी से खोलते हैं और इसमें से पावर सप्लाई निकालते हैं। अभी पूरा नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही में मेरा काम हो जाएगा। जो ये वाला पावर सप्लाई है मुझे काम है, इसका काम नहीं है। ये RGB स्ट्रिप्स को कंट्रोल करता है और ये 12 वोल्ट DC मोटर को कंट्रोल करता है। तो इसका वायर निकाल के मैं इसमें लगा दूँगा क्योंकि इसके बहुत सारे चैनल सभी खाली हैं। इलेक्ट्रिकल ज्ञान में तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, बोर हो रहे होगे। तो जल्दी से इसको करके मिलते हैं। ये वाला पावर सप्लाई निकाल दिया है और चलो इसको बंद करते हैं। मेरा सब जितने भी सिस्टम्स थे DC पे सब वर्क कर रहे हैं, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत थी पहले, बट वो सिस्टम ख़राब हो चुका है जिस कारण से इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और इसको मैं कहीं मस्त जगह पेश कर लूँगा। हाँ तो भैया जी देखिए, और पावर सप्लाई तो हमने निकाल लिया और साथ में ये मेरे बुक्स है कुछ, और इस बुक्स और बहुत सारे और भी बुक्स हैं। तो उसको भी बैग में पैकिंग करते हैं और जल्दी से पहले पैक करते हैं, फिर चौक पर भी जाना है, कुछ काम है वहाँ पर, वहीं पर जाके बताएंगे। कर दिया, बट अभी ये बैग पैक करना है और ये पावर सप्लाई उसमें डालना था जो मैंने डाला नहीं अभी, इसको भी डालते हैं जल्दी से। और पहले चौक पे चलते हैं, कुछ काम है मुझे। पहले आते हैं, उसके बाद जितने भी बचा हुआ काम है सब किया जाएगा। पहले चौक पे चलते हैं जल्दी से। तो देखिए भैया जी, यह है कुछ चौक और उधर गए हैं, तो SBI का ATM दिख रहा है, तो उधर गए हैं बाबू का दूर अंकल मनी निकालने। अभी हम चौक का नज़ारा ले रहे हैं बैठ के। और अभी तक तो सबसे पहली बात, जब मनी आ जाएगा तो उसके बाद हम तुरंत जाने वाले हैं घर पे। और घर पे जाने का तो अभी मुझे एडिटिंग करना है, और फिर रात को ही हम निकल जाएंगे। यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, घर पे जाके बात करते हैं। तो देखिए भैया जी, उस टाइम से चौक पे से तो हम घर आ चुके हैं और अंकल एक CPU फैन से लेकर खेल रहे हैं, और साथ में हम लेने अपना पैसा निकालने तो गए थे, और साथ में ये बिस्कुट मेरा फेवरेट है। महंगाई लोग क्या नहीं बेचते हैं पता नहीं। हाँ एक और बात है, ये स्वास्तिक ना जहाँ पे हम रहते हैं वहीं पे बनता है, मतलब बता देते हैं श्रीरामपुर में रहते हैं हम, और इसका श्रीरामपुर में ही बनता है। अब पूरे श्रीरामपुर, पूरे वेस्ट बंगाल में हमको सारा कहीं मिलता ही नहीं है। ये खोज के देख लिए, थक गए, हमको नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कोलकाता में मार्केट में भी खोजे जहाँ मिक्सर वगैरह मिला करता है, फिर अपने अपने लोकल मार्केट में भी खोजे तो वहाँ पे भी नहीं मिला। वेस्ट बंगाल रानीगंज लिखा हुआ है यहाँ पे, रानीगंज श्रीरामपुर में बनता है, बहुत जगह पे बनता है, बट उधर ही बन रहा है पर उधर नहीं मिलता है। अब कोई बात नहीं, यहाँ से लेके जाएंगे। चलो कुछ कुछ सामान छूट गए थे उसको बैग में डालते हैं और मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखो अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन है 8:30 बजे, और 8:30 बजे से भी लेट चल रही है। तो चलो अभी अपना मैं बैग उठाता हूँ, इधर मेरा बैग रेडी है, नीचे एक सूटकेस रेडी है, सब सामान हो चुका है। अब चलो चलते हैं, निकलते हैं तुरंत। कैसा लग रहा हूँ मैं, फिर भी चलो सही है, चलते हैं। तो देखो ठंडा तो वहाँ पर लगेगी ट्रेन में, कोलकाता में तो ठंडा नहीं है ऐसे, बट अभी जाने के लिए कह रहे थे एक रुमाल ज़रूरी है जिसको हम अपने इस हुडी के पॉकेट में रख लेते हैं, और एक शॉल है और लंच है जिसको जल्दी से इस बैग में डालते हैं। चलो तो हम निकल रहे हैं, सबका यहाँ पे हम पैर छूते हुए वीडियो बना रहे हैं। ये है दादी, इधर सीखा हुआ खाना खाते समय, खाना तो नहीं दिखाएंगे बट बाय बाय। इधर दादाजी।
बाय 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 बाय। देखो भैया जी, अब निकल चुके अपनी जर्नी, तो निकलते हैं आप जल्दी से और चलो कुछ आगे का व्यू दिखाता हूँ अपने पतली पतली गलियों का। है कि सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। हाँ तो भाई, रात का समय है और थोड़ा सा लाइट से एडजस्ट कर लेना। और एक और बात, अभी मैं हूँ धरारा में समझो, और यहाँ मतलब अपने गेस्ट के घर, और यहाँ से तुरंत हम निकलने वाले हैं धरारा जंक्शन के लिए। और ट्रेन मेरी एक घंटा डिले थी, वो और मेंटेन हो गया उसका, और आधा एक घंटा डिले है अभी, शायद वो भी अपना राइट टाइम पर कर लेगी, वो राइट टाइम पर कर लेगी तो बहुत अच्छी बात है। और मेरा इसी तरह से मास्क घूम गया, अब कहाँ घूमा मुझे पता नहीं, बट कहीं तो गिर गया है। कल हम यहाँ पर रखे थे और सूटकेस रखे थे, शायद इधर गिरा है। येलो कलर का मास्क कहाँ गया भाई? छोड़ो, मेरा मास्क गया अब तो नया ले लिया जाएगा। तो देखिए भैया जी, और हमारे साथ में हमारे एक बहुत प्रेमी भाई, इनका नाम है नीतीश, और साथ में यही मुझे छोड़ने जाएंगे रात में, अब जब तक ट्रेन आए। ऐसे तो अभी दिखा रही है कि टाइम के हिसाब से 9 बजे तक आ जाएगी, पर 9 बजे तक आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ऐसे नीचे खाना पीना भी बन रहा है, हमने बोला था कि नहीं बनाने के लिए, बट वही कहते हैं ना, गांव में शहर में हम लोग फैमिली में हम हैं नवाजी तो वही हमारी हो रही है अभी। वैसे जब ये हमारे घर आएंगे तो इनकी भी होगी, बट अभी तक ये हमारे एक बार भी घर नहीं आया। चलो मौका मिलेगा बाद में, क्योंकि हम यहाँ पे अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं कोलकाता, अपने चांदी वाले घर में नहीं जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं। तो देखो भाई, किसी को ये मुरली खाना है, बहुत बड़ा मुरली है, खाने का है तो ले लो, खा लो, मजाक कर रहा हूँ फिर भी खा लो, अच्छा लग रहा है। खेत में का मुरली है, सब मुरली खेत में ही रहता है, ये अपना खेत का मुरली है। तो देखिए भैया जी, अभी हम अपने भैया जी के घर पे आए थे, और यहाँ पे देखो जरा, और अमरेश भैया जी, हाय हेलो, ये भी हमें मिल चुके हैं साथ में, और भी प्यारे प्यारे भैया जी लोग मिले हैं। और एक और बात, यहाँ पे अभी मुर्गा बन रहा है, मतलब चिकन, और अभी हमको तुरंत ट्रेन है, यहाँ से निकलने वाले निकलेंगे कुछ देर में, और तब तक भैया जी से लोग से बात करते हैं, इन्जॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। चलो अब यहाँ से निकलने का समय हो चुका है, और यहाँ से अब निकलते हैं, और डायरेक्ट आपको मिलते हैं हम यहाँ पे स्टेशन पे। साथ में ये कुछ भैया जी लोग थे, इनसे हम बात कर रहे थे, नाम तो मुझे नहीं पता है, का पता है बट वो अभी बहुत फटेल हालत में, उनका क्या बोले, अमरेश भैया नाम है, अभी कुछ और करने में लगे हुए हैं, तो मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। देखिए भैया जी, अभी का सीन कुछ इस कदर है कि हम ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, और एक और बात कि सब लगेज वगैरह भी आ गया है, और वहाँ पे ट्रेनें पहुँचेंगी सुबह 8:30 के आसपास। तो सुबह उस तरफ थोड़ा सोएंगे या अपना थोड़ा मूवी वगैरह देखेंगे, आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद, मुलाकात होगी, नींद खुलेगी तब या कुछ बातें करने होगी, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखिए भैया जी, अभी का सीन कुछ इस कदर है कि जो आप देख रहे हैं अंधेरे अंदर बर्दवान जंक्शन में रुकी हुई है गाड़ी, ये बहुत मस्त फूल दिख रहा है भाई, अंधेरा में तो नहीं दिख रहा होगा, फिर भी देख लो। हाँ तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहा है, साढ़े 5 बजने वाले। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देते हैं, मतलब इस ब्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है। इसके बाद वाला जो हमारी जर्नी रहेगी वो आप अगले ब्लॉग में देखिएगा। आप तो इस ब्लॉग को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद, और चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगले ब्लॉग में देखिएगा कि बस हावड़ा से हम घर जाएंगे, घर जाने के बाद कुछ अलग प्लान्स है, तो वो आपको वहीं जा के पता चलेंगे। तो ब्लॉग में स्टे ट्यून रहिएगा, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।